बुंदेलखंड के एक बाबा जिन्होंने पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में चमत्कार का लोहा मनवा दिया। दूर देश से भी लोग अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए आते हैं और अपनी अर्जी लगाकर उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। लेकिन आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उनकी छवि को धूमिल करने जैसा है। हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट और एक समारोह में दबे कुचले वर्ग के व्यक्ति को धमकाता हुआ यह शख्स, शादी समारोह में युवक से मारपीट करने वाले शख्स का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तमंचा दिखाए जाने वाले शख्स को बागेश्वर धाम के चर्चित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में पहुंचे बाबा के भाई ने एक व्यक्ति को गाली गलौज करते हुए तमंचा दिखाकर धमका दिया, लेकिन इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। यह वीडियो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गांव गढ़ा का बताया जा रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन बताया जा रहा है कि मुंह में सिगरेट और हाथ में कट्टा लेकर धमकाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बाबा का भाई है। यही बताते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। फिलहाल यह बाबा के भाई हो अथवा ना हो, लेकिन इस तरह से गांव में दहशत का माहौल बनाने वाले युवक पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, छतरपुर।